हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में? दोस्तों, आज छुट्टी का दिन था, मौसम काफी सुहाना था, तो मैं निकल चुका हूँ एक रोमांचक सफर की ओर। दोस्तों, बहुत दूर का कोई सफर नहीं है, मैं नोएडा आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक काफी शानदार प्रोजेक्ट मैंने देखा, गोदरेज वुड्स सेक्टर 43 के अंदर। क्या शानदार प्रोजेक्ट है, देखते ही बहुत पसंद आया। हालांकि वो अलग बात है कि मैं नहीं लूंगा, अगर आप में से किसी भी भाई को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ वीडियो पे भी नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये नोएडा 43 के अंदर प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है दोस्तों, देखते ही पसंद आया। अगर आप लोग यहाँ पे देखने आएंगे और आप लोगों का बजट है लगभग मान के चलिए 1.5 करोड़ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो आप लिए बिना नहीं जाएंगे। बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ प्रोजेक्ट है, बीच में आपका अर्बन फॉरेस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आपने जैसे देखा होगा कि वो नदी से बहती रहती है, वो सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 एकड़ के आसपास का ग्रीन एरिया है, बीच में लगभग 1.25 एकड़ के आसपास का आपका अर्बन फॉरेस्ट है, बहुत ही शानदार, बिल्कुल आपके जंगल थीम के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो इस वीडियो में आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, आप लोग बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा। जिन भाई का बजट है वो परचेज कर लीजिएगा और जिनका बजट नहीं है वो वीडियो देख के मजा लीजिए, आपका दिन बन जाएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जो भी भाई चैनल पे नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन फटाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्वेस्टर सर। चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, काफ़ी शानदार ये प्रोजेक्ट है। आज मैंने जब ये प्रोजेक्ट देखा तो देखते ही बस मन में एक ही ख्याल आता है कि शानदार। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो ये आपका सेंट्रल नोएडा के अंदर आता है, सेक्टर 43 नोएडा। अगर लोकेशन की बात करें तो वही शब्द आपके जहन में आएगा, शानदार। दोस्तों, अगर आसपास के एरिया की बात करें तो बोटैनिकल मेट्रो आपके साथ में है, और सबसे पास में अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आपका गोल्फ कोर्स का मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। दोस्तों, बिल्कुल आपके जो नए टावर यहाँ पे बन रहे हैं वहाँ से आपको जो गोल्फ कोर्स है उसका व्यू भी दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ साथ में GIP तो लगभग 3 किलोमीटर आपका आ जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है जो आपको ना मिले। सेंट्रल नोएडा आप लोगों को दोस्तों पता ही है, सबसे प्राइम लोकेशन है। और दोस्तों, इसका नाम गोदरेज वुड्स क्यों रखा गया है वो अभी आप वीडियो देख के समझ जाएंगे। ये आपकी लोकेशन है प्रोजेक्ट के आसपास में, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको दादरी, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा सभी जगह की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मेट्रो स्टेशन वगैरह बिल्कुल पास में, यहाँ पे आपका बोटैनिकल गार्डन का पड़ता है, और सबसे जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो आपका गोल्फ कोर्स का है। दोस्तों, चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में प्रोजेक्ट के। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। 3 साइड ओपन प्लॉट है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ टोटल लैंड की तो ये आपका 10.95 एकड़, यानी आपका मोटा मोटा मान के चलिए 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 10 टावर देखने को मिल जाएंगे। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 लॉन्च हो चुके हैं प्रोजेक्ट के। इसके अंदर दोस्तों आपको अर्बन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ ग्रीनरी की तो टोटल आप मान के चलिए आपको लगभग 4 एकड़ के आसपास यहाँ पे ग्रीन पैच मिल जाएगा, जिसके अंदर 1.25 एकड़ का आपको अर्बन फॉरेस्ट मिल जाता है। एमिनिटीज बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलती है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फेज 1 और फेज 2 की, ये आपके G+27 फ्लोर के टावर थे। और दोस्तों, जो आपका फेज 3 है इसके अंदर आपके आइकॉनिक टावर के नाम से 2 टावर लॉन्च हुए हैं, टावर 9 और टावर 10। दोस्तों, अगर इनकी मैं हाइट की बात करूं तो ये आपके G+34 फ्लोर के टावर रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स के तो आप मान के चलिए अप्रोक्स 1100 यूनिट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपका जो फेज 1 फेज 2 था उसके अंदर आपको 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स मिल जाते हैं, और जो आपका आइकॉनिक टावर है इसके अंदर आपको 3 BHK 4 BHK और 5 BHK के फ्लैट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसका फेज 1 और फेज 2 काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका है। अगर उसमें मैं आपके स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो 2 BHK अप्रोक्स आपका 1.35-40 लाख के आसपास से शुरू होता था। अभी के दोस्त टाइम पे दोस्तों जो आपको सेल देखने को मिल रही है वो आपकी टावर T9 और T10 के अंदर, जो आइकॉनिक टावर है फेज 3 के, उनके अंदर सेल देखने को मिलेगी। ये आपकी कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट है। दोस्तों, ये कुछ इस तरह से लेआउट रहेगा प्रोजेक्ट का।
बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको हाई स्ट्रीट रिटेल मिलता है। शॉपिंग के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं जो फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा है टावर के नीचे, ये आपका पूरे का पूरा कमर्शियल एरिया रहेगा। दोस्तों अंदर की तरफ आप देख सकते हैं फेज़ वन फेज़ टू के लिए अलग से स्विमिंग पूल है, और जो आपका फेज़ थ्री है आइकॉनिक टावर इसके लिए आपका अलग से स्विमिंग पूल है। क्लब हाउस फेज़ वन फेज़ टू के लिए अलग से है, और फेज़ थ्री के लिए आपको अलग से क्लब हाउस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको नर्सरी स्कूल क्रच, आपको यहाँ पर डिस्पेंसरी, ये भी कुछ अलग से फैसिलिटी मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोसाइटी की एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों एमिनिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आया तो देख के बिल्कुल हैरान हो गया। आप लोग सोच नहीं सकते इतनी एमिनिटीज़ यहां पे दी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था यहां पे तीन तीन स्विमिंग पूल रहेंगे आपके, फेज़ वन के लिए अलग, फेज़ टू के लिए अलग, और जो आपका फेज़ थ्री है उसके लिए एक्सक्लूसिव अलग से क्लब हाउस और आपका स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर क्लब हाउस दिखाई देगा। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तीन फ्लोर का क्लब हाउस आपको देखने को मिल जाता है। क्लब हाउस के अंदर भी जितने भी आप एमिनिटीज हो सकते हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपकी एंट्रेंस लॉबी के साथ पूरा का पूरा आपको रिसेप्शन एरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चों के लिए इनडोर गेम्स वगैरह सारी चीज़ें आपको इस क्लब हाउस के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ क्लब हाउस की एमिनिटीज़ के बारे में तो यहाँ पे आपको जिम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिनी प्लेक्स मिल जाता है, अगर आप मूवीज़ वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ वो भी आपको मिल जाएगा, स्पा आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बच्चों के लिए क्रच मिल जाता है, या प्ले एरिया कह लीजिए, इंडोर गेम्स, सैलून यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और आपके जो आइकॉनिक टावर है उनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सोसाइटी के अंदर दोस्तों आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है बहुत ही शानदार। और दोस्तों ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये सबसे बड़ी मैन यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की। ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, आप नाम से ही सोच सकते हैं गोदरेज वुड्स। इसको वुड्स नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर गोदरेज ने एक पूरा का पूरा अर्बन फॉरेस्ट बनाया है। आप लोग यानी अपने घर के अंदर ही अपना खुद का जंगल का मजा ले पाएंगे। ये आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बेस जंगल तैयार कर दिया गया है जिसके अंदर मैं भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इसके अंदर दोस्तों आपको वाटर रिवेल्ट मिल जाता है, यानी एक तरह से कहिए पानी बहता हुआ मिलेगा यहाँ पे आपको, जैसे आप लोग पहाड़ों में देखते हैं या फिर काफ़ी और जगह आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार। इसके अलावा दोस्तों इसी के अंदर आप लोगों को कैंपिंग वगैरह की भी फैसिलिटीज़ मिलती है, इसी के अंदर आपको योगा डेक मिल जाता है। चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको योगा डेक मिल जाएगा। आप मॉर्निंग में अगर उठने के बाद इस तरह से अपने जंगल में घूमते हैं योगा करते हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या ही शानदार फीलिंग्स होंगी। दोस्तों मन एक तरह से ये कि ये बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है इस प्रोजेक्ट को देखने से। अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा, हो सकता है कुछ लोग मेरे जैसे भी हो जो वीडियो देख रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, पर अगर दोस्तों आपके पास पैसा है तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, बेफिक्र होकर आप खरीद सकते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कैंपिंग का सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट कहेंगे दोस्तों। एमिनिटीज़ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको स्पोर्ट की भी कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके अलावा आपको बाहर की तरफ भी किड्स प्ले एरिया वगैरह मिल जाएगा। ये आपका दोस्तों इसको आप एलिवेटेड वॉक अवे बोल सकते हैं, जो आपका अर्बन फॉरेस्ट होगा उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको एक रास्ता मिलेगा टावर के बीच में क्रॉस करने के लिए, तो बहुत ही शानदार रहेगा ये। दोस्तों बाहर की तरफ आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, इसके अंदर ही आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दोस्तों बास्केटबॉल के लिए अलग से कोर्ट मिलेगा, और आपको टेनिस कोर्ट भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैंपल फ्लैट के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैंपल फ्लैट के बारे में। ये आपका 3 BHK 2088 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट है। दोस्तों ये काफ़ी पहले बनाया था गोदरेज ने फेज़ वन फेज़ टू के टाइम पे। अभी आपका फेज़ थ्री के अंदर सेल्स स्टार्ट हो चुकी है आइकॉनिक टावर के अंदर, तो उसमें आपको इनसे भी बड़े साइज़ मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में एक बार अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं तो
जब भी कोई नया टावर लॉन्च होता है तो उसमें प्री लॉन्च के कुछ अलग से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे गोदरेज इंटीरियर वर्क करके देता है और भी कुछ बेनिफिट है, वो सारे के सारे जब हम प्राइस लिस्ट देखेंगे तो उसके साथ में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, गोदरेज में बुकिंग के लिए बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। इसमें आपको पहले इंटरेस्ट शो करना होता है और इंटरेस्ट के बिहाफ पे आपको एक चेक देना होता है गोदरेज के फेवर में, और उसके बाद आपको बाद में यूनिट अलॉट होती है। ये दोस्तों बालकनी से आपको नज़ारा मिलता है और ये आपका अटैच वॉशरूम फर्स्ट बेडरूम के साथ में। चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए, काफ़ी खूबसूरत सैंपल बनाया गया है और इन्जॉय करिए। दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ, सैंपल फ्लैट आप कभी भी किसी सोसाइटी का देखते हैं तो उसमें जो मूवेबल आइटम्स होते हैं, आपके सोफे वगैरह जो डाले रहते हैं या बिल्डर जो भी अलग से चीज़ें दिखाते हैं, वो आपको कभी भी नहीं मिलती है। ये खाली सैंपल फ्लैट होता है तो सिर्फ आपको एक स्पेस का आइडिया लग जाए, इसलिए बिल्डर आपको डाल के दिखाता है और फ्लैट भी देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सेल बढ़ जाती है इससे, तो इसलिए बिल्डर रखता है। तो ये कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये दोस्तों पीछे की तरफ आपको नज़ारा मिलता है, काफ़ी वाइड बालकनी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है अर्बन फॉरेस्ट का। इसके अलावा दोस्तों ये आपका किचन है, अभी के टाइम पे जो प्री लॉन्च ऑफर है उसमें आपको किचन का इंटीरियर कंप्लीट होके मिलता है। देखिए इसके साथ में भी आपको एक बालकनी मिल जाती है सामने, आप यूटिलिटी एरिया वगैरह इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है, देखिए, और इसके साथ में भी वही आपकी बालकनी अटैच है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, काफ़ी बड़ी बालकनी है, वो आपके ड्राइंग डाइनिंग और मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच है। बट दोस्तों ये जो आपका सैंपल फ्लैट है 2088 स्क्वायर फीट, तो ये इसी की बालकनी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका आइकॉनिक टावर है उसके अंदर आपको चार साइज देखने को मिलते हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूँ, 3 BHK 2563 स्क्वायर फीट, 4 BHK 3131 स्क्वायर फीट, 5 BHK आपका 3360 स्क्वायर फीट, सॉरी 4 BHK 3360 स्क्वायर फीट और 5 BHK आपका 3754 स्क्वायर फीट का आपको देखने को मिल जाता है। तो उनके भी बाद में मैं आपको लेआउट अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग पोज करके वो भी देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा एक तरह से किस तरह के आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे और क्या आपको बेडरूम के साइज़ या किचन का साइज़ या ड्राइंग एरिया का साइज़ आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये आपका मास्टर बेडरूम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बस यही कहूँगा, काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है, देखने में बिल्कुल मज़ा आ गया। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुँच गए, अगर आप फील करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, किस तरह से आएगा। और दोस्तों गोदरेज इतना बड़ा नाम है, जो भी चीज़ें गोदरेज ने आपको बोल दी वो बना के मिलेगी और ऑन टाइम मिलेगा, इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, प्रॉपर्टी दोस्तों सेंट्रल नोएडा है तो सीधी सी बात है महंगी होगी, तो जिनके बजट में आते हैं वही खरीद सकते हैं, बाकी सभी लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ पे आपका आप कह सकते हैं एक तरह से ड्रेसिंग एरिया आ जाता है और इसके साथ में फिर आगे आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है जो आपके बेडरूम के साथ में अटैच है। ये देखिए, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आइकॉनिक टावर के साइज़ के बारे में। मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, 2563 स्क्वायर फीट का साइज़ आप पोज करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये दो टाइप से बना हुआ है, तो ये दोनों मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। 4 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 4 BHK भी दोस्तों यहाँ पे दो साइज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, एक 3131 स्क्वायर फीट का साइज़ है और दूसरा दोस्तों जो आपका साइज़ आता है वो आता है 3360 स्क्वायर फीट का। देखिए, और दोस्तों इसके अलावा आपको एक और साइज़ आइकॉनिक टावर के अंदर देखने को मिलेगा T9 के अंदर, ये रहेगा आपका 3754 स्क्वायर फीट का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में।
दोस्तों अगर हम बात करें पोजीशन के बारे में, तो गोदरेज वुड्स 43 ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसका पोजीशन टाइम जो है एज पर रेरा वो आपका दिसंबर 2025 का है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चालू है, तो काफ़ी काम हो भी चुका है। दोस्तों जो मार्केटिंग टीम से मेरी बात हुई, ये आप लोग देखिए सामने कंस्ट्रक्शन है। मार्केटिंग टीम का कहना है कि मार्च 2025 तक पोजीशन ऑफर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर बात करें प्राइस के बारे में, तो आपका 2 BHK यहां पे स्टार्ट होता है लगभग 1,35,00,000 से। अभी के टाइम पे जो सेल स्टार्ट है वो टावर 9/10 में है, आइकॉनिक टावर में, तो उन्हीं के प्राइस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांस में 15,00,000 का चेक देना होता है, उसके बाद आपकी यूनिट अलॉट होती है अगर आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं फ्लैट के साइज की बात करूँ, तो आपको 3 BHK 2563 स्क्वायर फीट में है, ये मिलता है 3,35,00,000 में। 4 BHK 3131 स्क्वायर फीट 4,10,00,000, 4 BHK 3360 स्क्वायर फीट 4,20,00,000, और 5 BHK 3754 स्क्वायर फीट। ये दोस्तों इनकी रोल्स रॉयस है, तो ये आपको ऑन डिमांड ही मिलेगा प्राइस इसका जो भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैन USP की मैं बात करूं, तो ये जो टावर है इनके लिए आपको एक्सक्लूसिव अलग से यानी स्विमिंग पूल मिल जाएगा और अलग से क्लब हाउस मिल जाएगा, जो खाली टावर T9 और T10 ही यूज़ कर सकते हैं, और गोल्फ कोर्स फेसिंग में आपको फ्लैट मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, 15,00,000 का आपको चेक देना होता है गोदरेज के फेवर में अगर आपको यूनिट बुक करनी है, उसके बाद आपकी यूनिट अलॉट होती है। अगर आपको पसंद आती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी पैसा दे सकते हैं। अगर पसंद नहीं आती है तो 45 दिन के अंदर आपका अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है, यानी आपको एडवांस में चेक देना होता है यहाँ पे बुकिंग के लिए, और यूनिट आपको उसके बाद अलॉट होती है। दोस्तों कुछ प्री बुकिंग के ऑफर्स है, आप लोग चाहो तो पोज करके इनको भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप बुक करेंगे, तो आपको गोदरेज का इंटीरियर से आपको मॉड्यूलर किचन बना के मिल जाएगा सभी रूम के अंदर, और ड्राइंग डाइनिंग के अंदर आपको डेक इन के AC मिल जाएंगे, इटालियन मार्बल मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको होब्स और चिमनी वगैरह भी किचन के अंदर लगा के मिलेंगी, आपको अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है। अगर आप स्वैप करते हैं दोस्तों, तो 1,00,000 का आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारे के सारे ऑफर्स आप लोग अपने आप पढ़ लीजिए। और दोस्तों अगर आपको बुक करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूंगा और आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के रिव्यू के बारे में। वैसे गोदरेज को मैं क्या ही रिव्यू दूं, बहुत ही शानदार कंपनी है, आपको पता ही है, जो टॉप डेवलपर है NCR क्या इंडिया के, उनमें से गोदरेज एक है। जो पोजीशन टाइम मिला है तब तक आपको प्रॉपर्टी कंप्लीट होकर मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें एमिनिटीज की, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, तो आप लोग अगर आपके बजट में आता है तो जरूर खरीदिए। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं परचेज करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।